तेजस्वी लालू जो गद्दारी किया है उसका रिएक्शन हो गया है पूर्णिया में। तब तो माहौल किसके प्रति है, उन्हें बीमा भारती है कि संतोष कुशवाहा? बीमा भारती तो बकरी चाने आई है। हाँ। और शेर के आगे बकरी आ गई है। हाँ। कौन है शेर? शेर बिहार पप्पू यादव। हाँ। लालू यादव तेजस्वी। हाँ। चाहता नहीं है कि पप्पू यादव आगे आवे। अगर पप्पू यादव आगे आएंगे तो तेजस्वी लालू को नाथ देंगे। नाथ देंगे एकदम। कैसे? बैल भैंसा को नाथता है वैसे। मुकेश सहनी हमारे जात के हैं। हाँ। मगर हम जो है ना यहाँ पे सिर्फ पप्पू यादव के ही हैं। ओनली फॉर पप्पू यादव। पप्पू यादव यस। यहाँ देखिए यादव मुस्लिम में अगड़ा और इधर सहनी और भी मुस्लिम, ये ठाकुर पासवान, इधर सहनी और इधर चंद्रवंशी, ए टू जेड तो यही हो गया। अब बाहर जाने का क्या जरूरी है? पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये पूर्णिया जेल चौक है, जेल चौक के नाम से प्रसिद्ध है ये इलाका और हमारे साथ कई लोग हैं, पूर्णिया के जनता हैं। क्या इस बार माहौल है, चुनावी माहौल, हम जानेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद मुदस्सिर। मुसलमान है आप? पक्का मुसलमान। हाँ। अगड़ा की पिछड़ा? अगड़ा। अगड़ा जी। शेख है? शेख। तो क्या माहौल लग रहा है पूर्णिया में? पूर्णिया का माहौल तो एक तरफा है। क्या एक तरफा है? वन साइड, निर्दलीय, कैंची छाप। कैंची छाप पक्का। किसका है कैंची छाप जी? पप्पू यादव जी। हाँ। तो माहौल किसके प्रति है, उन्हें बीमा भारती है कि संतोष कुशवाहा? बीमा भारती तो बकरी चाने आई है। हाँ। और शेर के आगे बकरी आ गई है। हाँ। कौन है शेर? शेर बिहार पप्पू यादव। हाँ। मुसलमान सब किसके साथ है? 100% मुसलमान पप्पू यादव के साथ। हाँ। उधर हिना साहब को टिकट नहीं मिला? हिना साहब टिकट ठुकरा दिया है। हाँ। देखिए पेपर में हिना साहब को टिकट ना मिलने से कितना मुसलमान नाराज है। हिना साहब टिकट ठुकरा दिए हैं। किस वजह से? वो नहीं लेना चाहते लालू का टिकट। हाँ। अब पप्पू यादव को क्यों नहीं मिला टिकट? पप्पू यादव के साथ भीतरघात किया है तेजस्वी और लालू। हाँ। भीतरघात किए हैं जी, छुरा मारे पीठ पर। क्या किए? छुरा मारे, छुरा पीठ पर। कौन? दूसरा कौन है? कौन है चाचा? लालू यादव तेजस्वी। हाँ? चाहता नहीं है कि पप्पू यादव आगे आवे। अगर पप्पू यादव आगे आएंगे तो तेजस्वी लालू को नाथ देंगे। नाथ देंगे एकदम। कैसे? बैल भैंसा को नाथता है वैसे। किसको नाथ देंगे? लालू तेजस्वी को, राजनीतिक तौर पे। तब पूर्णिया में खेला होगा इस बार? पूर्णिया में खेला? हाँ। खेला तो हो गया। हो गया। अब क्या होगा? क्या हो गया? खेला तो हो गया। कैसे? अब क्या बताएं आपको, आपको लग नहीं रहा हवा, आप तो घूमते हैं, प्रेस मीडिया वाले हैं। कौन जीत रहे हैं? शेर बिहार पप्पू यादव जी रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। कितना से? मंडे रिकॉर्ड मत। रिकॉर्ड? रिकॉर्ड। मुसलमान हिना साहब से नाराज है या खुश है? भाई मुसलमान हिना साहब से बहुत खुश हैं, शहाबुद्दीन साहब से बहुत खुश हैं। पप्पू यादव से? बार बार पूछ रहे हैं। पप्पू यादव से तो 100% मुसलमान खुश है। लालू और तेजस्वी से? तेजस्वी लालू जो गद्दारी किया है उसका रिएक्शन हो गया है पूर्णिया में। तब तो पूर्णिया में इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा नहीं, हो गया। हो गया? तब टिकट लगा दिए आप लोग? टीका लगा दिए जी पप्पू यादव को? और टीका तो जब नॉमिनेशन लिए तब ना लग गया। हाँ। तब कौन विजय होगा? बार बार पूछ रहे हैं। इसका मतलब आप सस्पेंस में हैं अभी? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, एकदम नहीं। कौन जीत रहा है भैया? पप्पू यादव। क्या नाम हुआ? अरुण कुमार यादव जी हैं जी? जी नहीं, सहनी। सहनी है जी? मुकेश सहनी के आदमी हैं आप लोग जी? मगर यहाँ पर जो है ना मुकेश सहनी का आदमी नहीं है, मुकेश सहनी हमारे जात के हैं। हाँ। मगर हम जो है ना यहाँ पे सिर्फ पप्पू यादव के ही हैं। ओनली फॉर पप्पू यादव। पप्पू यादव यस। काहे भैया? काहे कि जो पप्पू यादव जी का जो है। हाँ।
जब कभी भी जिसको भी कोई भी चीज का जरूरत पड़ा तब पप्पू जी आए। जिनका बेटी का शादी, किसी का घर में कोई ऐसा हिंसा हो जाए, कोई कुछ हो गया, तो वहाँ पे पप्पू जी पहुँचते हैं। दूसरा, हाँ दूसरा, मदद करते हैं आप लोग को, बहुत मदद करते हैं। इधर आइए, महिला भी है, बहुत मदद करते हैं पप्पू जी। पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद जी। क्या माहौल लग रहा है अभी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवमणि है। कौन जात है? राजपूत। राजपूत जी। पूर्णिया का क्या माहौल लग रहा है? पूरा माहौल पप्पू यादव जी की तरफ है। पूर्णिया का क्या माहौल लग रहा है? पूरा माहौल पप्पू यादव जी की तरफ है। पप्पू यादव इधर आइए, पप्पू यादव की तरफ जी। जी काहे भैया? कहा कि हमेशा जरूरत में जो एक नेता से चाहिए आदमी को, लोगों को, कि जो नेता हमारे हर सुख दुख में, कोई नेता किसी का घर नहीं बनाता है ना किसी को कुछ देता है। हाँ। लेकिन अगर दर्द थोड़ा सा बांट ले तो वह एक खूबी पप्पू यादव जी में है, जिसके सामने में ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई है। राजपूत किसके साथ? राजपूत अभी हम बोल रहे हैं तो पप्पू यादव जी के साथ है, एकदम। राजपूत का वोट किसको मिलेगा? पप्पू यादव जी को मिलेगा पूर्णिया में। मुसलमान में शेख का वोट किसको मिलेगा? मुसलमान में शेख, अति पिछड़ा, पिछड़ा सबका वोट पप्पू यादव को मिलेगा। पप्पू यादव के साथ? पप्पू यादव। लेकिन ललटेन का होते थे मुसलमान जी? नहीं, ललटेन का आप गुलाम नहीं है। हाँ। किसका गुलाम है? यहाँ पूर्णिया में हाँ। शेर बिहार पप्पू यादव जी का गुलाम है। गुलाम है कि समर्थक है? समर्थक गुलाम दोनों है। गुलाम है आप लोग जी? गुलाम का मतलब समझ रहे हैं? अच्छाई का गुलाम है। अच्छाई का गुलाम तब तो खेला हो जाएगा पूर्णिया में? खेला हो गया, तब कई लाख वोट से जीत रहे पप्पू यादव एकदम जितना। अच्छा, से पहले एक बात हम आपको बताते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ हम खबर बनाते हैं तो सब लोग पप्पू यादव को कहे चाहते हैं जी। पप्पू यादव को इसलिए चाहते हैं हाँ। कि पप्पू है और सबके दिल में है, सबके समाज के लड़का है, हमारे गांव के, और सबके हित की बात करते हैं, सबके दिलों में बसते हैं पप्पू यादव। एकदम, एकदम दिलों में है, दिलों में, दिलों में, दिलों में, आपका दिल में है। अब चीर के हमारे हमारे दिल में कौन साइड में है बताते हैं? हमारे दिल में लाइए छू छूड़ा फाड़ के दिखा देते हैं। कौन है अंदर? पप्पू यादव। कौन है अंदर आपका दिल में? तेरे बिहार पप्पू यादव। पक्का? पक्का। चलिए, 4 जून को क्या होगा पूर्णिया में? 4 जून को कैंची चलेगा? कैंची चलेगा, एकदम कैंची चलेगा। कैंची चलेगा, कैंची ऐसे ऐसे ऐसे। किस खुशी में? किस खुशी? पप्पू यादव को जीतने के खुशी में कुर्ता फार होली। महिला है, महिला आधी आबादी, जिसकी बात तेजस्वी यादव करते हैं कि महिला भी हमारे साथ है। क्या नाम हुआ मैडम? सोनी कुमारी। क्या माहौल लग रहा है पूर्णिया में? पूरा माहौल लग रहा है सर पप्पू में। पप्पू में है जी। अच्छा, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब कोई पप्पू यादव के साथ हैं, आप लोग भी पप्पू यादव के साथ हैं। किस वजह से पप्पू यादव के साथ हैं? पप्पू यादव के साथ हैं ये नहीं बोले, साथ थे और हैं और रहेंगे आगे भी। आगे भी? हाँ, आगे भी। और जहाँ तक रहा बात कि पप्पू में सबसे आपको लग रहा है, तो ये तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा, न्यूज रोज कर रहे हैं आप कि पप्पू में कैसे है, हुआ तो सब खड़ा है हाँ। लेकिन पप्पू मैं क्यों है तो इसका मतलब है बीमा भारती भी महिला है। महिला है, हम सब ये नहीं कह रहे कि महिला नहीं है, लेकिन बीमा भारती को हम लोग 4 दिन से जान रहे हैं हाँ, 4 दिन से, वो भी पप्पू यादव के चलते। अच्छा। नहीं तो बीमा भारती को शायद नहीं जानते हम लोग हाँ। हम लोग महिला है इसीलिए बता रहे हैं, बीमा भारती के आने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन पप्पू भैया के आने से हम लोग का विकास, पूर्णिया का विकास, हर बेटी का विकास और हर घर में विकास। इसी कारण देखिए गरीब का चिन्ह भी उसके पास है, कैची छाप। पहले देखिए महिला लोग अपने घर में अगर भरण पोषण के लिए सिलाई करती थी तो कैची का जरूरत पड़ता है, ठीक है, किसी काम के लिए कैची का जरूरत पड़ता है। कैची चलेगा, एकदम चलेगा, पूरा अभी भी चल रहा है, पूरा चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। तो आपका वोट? हमारा वोट पप्पू भैया का। पप्पू भैया का? हाँ, भैया हमारे पूरे परिवार का वोट पप्पू भैया, सबका तो बेटा और भैया है वो, वही तो नेता नहीं इसीलिए तो हम लोग चाह रहे हैं। नेता नहीं तो क्या है? नेता नहीं, सबका परिवार का लड़का है और क्या है। जान दे देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, पप्पू यादव कहते थे। क्या नाम हुआ मैडम? हिना। तो क्या माहौल लग रहा है पूर्णिया में? माहौल पूर्णिया में पप्पू यादव का ही है। उधर संतोष कुशवाहा भी है नीतीश कुमार के पार्टी से। देखिए संतोष कुशवाहा है, वो बीमा भारती है, सब है, लेकिन हमारे नेता गरीबों के मसीहा है हाँ। और वो ही रहेंगे आगे और आगे बढ़ेंगे, वही रहेंगे। तो पूर्णिया में इस बार कौन जीत रहा है? पप्पू यादव। कष्ट के बोलिए, पप्पू यादव। नहीं खाए हैं क्या? पप्पू यादव। हाँ, पप्पू यादव। आप किस समाज से आते हैं? हम लोग सिंह हुए।
भूमियार हैं? नहीं, चंद्रवंशी। चंद्रवंशी, आप? निषाद। निषाद सहनी। ये देखिए, ये है मुकेश सहनी के जात के, और ये है चंद्रवंशी, और इधर है शेख पठान। अरे पासवान जी है जी, हाँ। नहीं चिराग पासवान के आदमी है। तो ए टू जेड तो यही हो गया। अब बाहर जाने का क्या जरूरी है? तो ए टू जेड आप कौन जाते हैं? ठाकुर। किसके साथ है? पप्पू यादव के। ठाकुर जी पप्पू यादव के साथ है। आपका क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद इरफान। मुस्लिम है? मुस्लिम है। अगला है कि पिछड़ा? अगला। अगला है शेख है कि पठान? हम लोग शेख में। आप यादव जी? सहनी जी। सहनी जी आप? यादव। या देखिए यादव मुस्लिम में अगड़ा, और इधर सहनी और भी मुस्लिम, ये ठाकुर पासवान, इधर सहनी और इधर चंद्रवंशी। तो ए टू जेड तो यही हो गया। तो जरूरी है ना? नहीं है। सब लोग साथ है जी? पप्पू यादव। किसके साथ है? पप्पू यादव। पूर्णिया में क्या होगा? पप्पू यादव होगा। क्या होगा? पप्पू यादव। पप्पू यादव। पप्पू यादव जी। खेला पूर्णिया में अब खेला होई। खेला होगा पूर्णिया में। क्या होगा? पूर्णिया पप्पू में है। हो गया। हो गया विजय। एकदम विजय। हाँ जी कन्फर्म हो गया। यादव जी है? यादव जी है। ए टू जेड यादव चंद्रवंशी ठाकुर भूमियार सब एजे पर ही है, और सहनी भी है। और बात करते हैं तेजस्वी यादव की, ए टू जेड की पार्टी है। तो ए टू जेड तो पप्पू यादव के साथ है, सब जात के लोग हैं। तो पूर्णिया में क्या होगा आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। पप्पू यादव के समर्थक ज़्यादा हैं, और वर्चस्व भी पप्पू यादव का दिख रहा है। जब एज ए मैं रिपोर्टर बोल रहा हूँ कि जब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहाँ सवाल कर रहे हैं वहाँ पप्पू यादव के समर्थक ही मिल रहे हैं। तो किसका रन होगा 4 जून को पता चलेगा। लेकिन ए टू जेड देख लीजिए, ये सभी वर्ग के लोग हैं। मुस्लिम है, भूमियार है, सहनी है, पासवान है, दलित है, पिछड़ा है, सब कोई है। किसके साथ है? पप्पू यादव के साथ है। बहरहाल आपकी क्या राय है पूर्णिया को लेकर, वो नीचे कमेंट बॉक्स दे। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।